निम्नलिखित में से किसे 2023 का मार्कोनी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? प्रद्युत घोष, डी शिवानंद पई, हरि बालकृष्णन, विश्वनाथ मोहन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, हरि बालकृष्णन। MIT के प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को 2023 का मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं डॉक्टर बालकृष्णन MIT के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रोफेसर है। डॉक्टर बालकृष्ण के वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मौलिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है यहाँ पे? मैक्रोनी प्राइज, मार्कोनी पुरस्कार भी बोला जाता है। डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए 110 वायु योद्धाओं वाली भारतीय वायुसेना की टुकड़ी डैश डैश के लिए अलदफरा एयरबेस पर पहुंच गई है। UAE, बहरीन, कुवैत, ईरान। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, UAE। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लेने के लिए 110 वायु योद्धाओं वाली भारतीय वायुसेना की टुकड़ी संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस पर पहुंच गई है। भारतीय वायुसेना 5 LCA तेजस और 2 हो जाएगा C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमानों के साथ भाग ले रही है। LCA तेजस के लिए भारत के बाहर यह पहला अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास है। तेजस। संस्कृति मंत्रालय संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक साल तक चलने वाले उत्सव का आयोजन कर रहा है। वह किस समुदाय के आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु हैं? भूटिया, बंजारा, गोंड, इसके अलावा है यहाँ पे संथाल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, यहाँ पे बंजारा। संस्कृति मंत्रालय पहली बार बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक साल तक चलने वाले उत्सव का आयोजन कर रहा है। यह जयंती वर्ष कार्यक्रम 26 फरवरी 2023 से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया है। इसके तहत फरवरी 2023 में लगभग 26-27 फरवरी 2023 को ही नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 284वीं, बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जयंती समारोह के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जलीय जंतु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने निम्न में से किसके लिए एक अनुवंशिकी कार्यक्रम शुरू किया? भारतीय केकड़ा, भारतीय सफ़ेद झींगा, भारतीय सेलफिश, भारतीय फिन मछली। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, भारतीय सफ़ेद झींगा। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जलीय जंतु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री, जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, ने चेन्नई में कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने भारतीय सफ़ेद झींगा को, इसका जो नाम है पेनियस इंडिकस सफ़ेद झींगा के लिए एक अनुवांशिक सुधार कार्यक्रम भी शुरू किया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के एक नए कोर की खोज की है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस नई परत में कोर के अन्य भागों की तरह लौह, निकल, मिश्र धातु है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा सही है। कोर में लौह, निकल, मिश्र धातु की प्रधानता है। इसकी एक अलग क्रिस्टलीय संरचना है, ये भी यहाँ पे सही है। अब कोई अंदर जाके पृथ्वी के कोर पे तो सर्च नहीं कर रहा है। इसका सर्च करने का जो एक सबसे जो प्रमाणिक जो चीज़ है वो है यहाँ पे भूकंपीय अध्ययन का यहाँ पे प्रयोग अमूमन किया जाता है। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 और 2 दोनों।
वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के एक नए कोर की खोज की है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के सिस्मोलॉजिस्टों की एक जोड़ी ने पृथ्वी के एक नए कोर की खोज की है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक कोर के केंद्र में 400 मील मोटी ठोस धातु के गेंद के एक नए साक्ष्य का दस्तावेजीकरण किया हुआ है। इस नई परत में कोर के अन्य भागों की तरह आयरन, निकल मतलब निकेल जो होता है, मिश्र धातु सब मौजूद है, लेकिन इसकी एक अलग क्रिस्टलीय संरचना है। अलग क्रिस्टलीय संरचना के कारण भूकंप की शॉक तरंगें आसपास के कोर की तुलना में अलग गति से परत से होकर गुजरती है। अब जो भी यहाँ पे अर्थक्विक समझिए यहाँ पे आता है, जो भी यहाँ पे प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव है, PSL वेव, उसी भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने के बाद से ही कंक्लूजन निकाला जाता है कि अंदर यहाँ पे क्या है, कौन सा मटेरियल है, लिक्विड है, सॉलिड है, ठीक है। तो शोधकर्ताओं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बेहतर समझ के लिए आंतरिक कोर का अध्ययन करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। भारत का पहला मरीना किस राज्य में बनाया जाएगा? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक। यहाँ पे देख पा रहे हैं कर्नाटक सरकार भारत का पहला मरीना बनाएगी। भारत का पहला डॉकेज वाला बोट बेसिन या मरीना उडुपी जिले के, ये जिला पूछा जा सकता है, कर्नाटक के उडुपी जिले के ब्यूंदूर में बनाया जाएगा। इसका निर्माण कर्नाटक में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। देख पा रहे कितना खूबसूरत नज़ारा है। भारत और किस देश ने रचनात्मक उद्योगों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मैत्री सांस्कृतिक भागीदारी शुरू की है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, चीन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रचनात्मक उद्योगों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मैत्री सांस्कृतिक भागीदारी शुरू की गई है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सीनेटर जिनका नाम है पेनी वोंग द्वारा मैत्री सांस्कृतिक भागीदारी के शुभारंभ की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा कि मैत्री अर्थात दोस्ती हमारे रचनात्मक क्षेत्र को भारत के संपन्न सांस्कृतिक उद्योगों के साथ सहयोग करने में मदद करने के लिए कई तरह की साझेदारी और अनुदानों को रेखांकित करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के बलिया के चितबड़ा गांव में -- के निवेश से 7 राष्ट्रीय परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 5,000 करोड़ रुपये, 5,500 करोड़ रुपये, 6,000 करोड़ रुपये, 6,500 करोड़ रुपये। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, 65 करोड़ रुपये। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के यहाँ पे देख पा रहे हैं बलिया के एक गांव है, इस गांव का नाम इम्पोर्टेंट हो सकता है, चितबड़ा गांव में 6,500 करोड़ रुपये के निवेश वाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से लोग लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए 4.5 घंटे में लोग पटना पहुँच सकते हैं। 26 फरवरी 2023 को पर्यटन मंत्रालय ने -- में भद्रवाह में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया है? लद्दाख, जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जम्मू। पर्यटन मंत्रालय ने 26 फरवरी 2023 को देख पा रहे यहाँ पे भद्रवाह जम्मू में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है। स्थानीय प्रशासन अमेजिंग भद्रवाह टूरिज्म एसोसिएशन के साथ रियल स्पोर्ट्स इंडिया के सहयोग से पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया गया है। 27 फरवरी 2023 को पीएम मोदी ने नवनिर्मित शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह हवाई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल।
इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, केरल में। देख पा रहे हैं यहाँ पे, आज शिमोगा को अपना एयरपोर्ट मिला हुआ है। लंबे समय तक जिसकी डिमांड थी वो आज पूरी हो गई है। शिमोगा एयरपोर्ट बहुत ही भव्य बना है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पे इसकी जो लागत आई है बनने में 3600 करोड़ रुपए से अधिक यहाँ पे लागत आई है। नवनिर्मित एयरपोर्ट को देख पा रहे हैं, कमल के फूल की तरह डिजाइन किया गया है। इसे करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। 400 टोटल एयरपोर्ट है यहाँ पे 3600, इसका जो डिजाइन किया गया है लगभग 450 करोड़ लागत से, ठीक है। नेशनल आईपी इंडेक्स, इसका मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? भारत, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 2023 के अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत का स्थान देखा जाए तो 42 स्थान है। वहीं अगर टॉप में देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड स्थान हो जाएगा यहाँ पे यूके का, और थर्ड स्थान हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस का, और भारत का स्थान हो जाएगा यहाँ पे 42। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2022 की बात करें तो भारत का स्थान था 43, स्कोर इसमें दिया गया है 38.64 और 2023 में है यहाँ पे 42। यहाँ पे स्कोर देखेंगे तो कोई चेंज यहाँ पे नहीं रहा है, यहाँ पे बिल्कुल अपरिवर्तित है, नो चेंज है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक की, तो ध्यान रखिएगा यह यूएस चैम्बर्स या यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रतिवर्ष इसको जारी किया जाता है। 2023 का इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स का यह 11वां संस्करण है। इसमें टोटल आप देख पा रहे हैं प्रॉपर्टी जो इंडेक्स आउट ऑफ 55 नेशंस, टोटल जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले देश हैं 55 है यहाँ पे, और इसमें टोटल 50 जो इंडिकेटर है, 50 जो संकेतक है, सबको इसमें शामिल किया जाता है। संकेतकों में आईपी संपत्तियों के व्यवसायीकरण के लिए पेटेंट और कॉपीराइट नीतियाँ और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन भी शामिल किया जाता है। किस कंपनी ने 24 फरवरी को निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है? NSE डेटा एनालिटिक्स लिमिटेड, NSE इंडेक्स, NSIT लिमिटेड, NSE IFFC लिमिटेड। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे NSE इंडेक्स। निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स NSE इंडेक्स द्वारा लॉन्च किया गया। NSE की एक शाखा NSE इंडेक्स लिमिटेड ने कहा कि उसने देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स पेश किया हुआ है। परिपक्वता और निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग के द्वारा भारतीय नगर निगमों द्वारा जारी नगर पालिका बॉन्डों के प्रदर्शन को नए निफ्टी म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स द्वारा ट्रैक किया जा रहा है। कौन सा राज्य अपने सभी चालू मेन होलों को साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। एक बहुत ही शानदार पहल है यहाँ पे, खासकर यहाँ पे अगर बात किया जाए स्क्वेंजर्स को लेके, तो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केरल। मेन होल की सफाई के लिए रोबोट स्क्वेंजर्स के लिए यहाँ पे केरल पहला राज्य यहाँ पे बन गया है। इंसान नहीं अब मैला उठाएगा, ये रोबोट अब उठाएगा। बैंडिकुट रोबोटिक स्क्वेंजर है जिसे केरल सरकार द्वारा गुरुवायूर के मंदिर में, बहुत फेमस मंदिर है गुरुवायूर के मंदिर शहर में, सीवेज को साफ करने के लिए लॉन्च किया गया है। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने सभी चालू मैन होलों को साफ करने के लिए रोबोट तकनीक का प्रयोग कर रहा है। गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक, जिसको बोला जाता है डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस, कौन बने हुए हैं? आर एस रीन,
हरि कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, रघुवीर सिंह। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, आर एस रिन। आर एस रिन लेफ्टिनेंट जनरल आर एस रिन ने 24 फरवरी 2023 को गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक, जिसको बोला जाता है डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस, का पदभार यहाँ पे ग्रहण किया हुआ है। यही ये देख पा रहे हैं, आर एस रिन भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं और ए 1986 के बैच के अधिकारी भी रह चुके हैं। वह बेंगलुरु के रक्षा गुणवत्ता आश्वासन संस्थान में परिशिष्ट संकाय थे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में ड्रग्स गुणवत्ता विनियम और प्रवर्तन पर चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। 26 फरवरी 2023 को यह शिविर कहाँ शुरू किया गया था? हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, इसकी शुरुआत किया गया था यहाँ पे हैदराबाद में। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ड्रग्स गुणवत्ता विनिमय और प्रवर्तन पर चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। चिंतन शिविर की बात करें यहाँ पे, तो 26 फरवरी 2023 को हैदराबाद से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर कान्हा शांति वन में, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो सकता है, कान्हा शांति वनम में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था देश में दवा की गुणवत्ता और प्रवर्तन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की प्रक्रिया और इम्प्लीमेंटेशन की पूरी तरीके से समीक्षा करना है। यूएई अपना दूसरा अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजेगा, इस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? अनुशेह अंसारी, सुल्तान अल नयादी, मुजफ्फर सुकोर, एडिन एम्बेटो। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, सुल्तान अल नयादी। यूएई ने अपने दूसरे अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी को अंतरिक्ष में भेजेगा। सुल्तान अल नयादी मिशन स्पेशलिस्ट, प्राइमरी क्रू 6, ध्यान रखिएगा 627, ठीक है, प्राइमरी क्रू है यहाँ पे, क्रू 6 है और यहाँ पे हो जाएगा 27 फरवरी को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में स्थित है, फ्लोरिडा से निर्धारित ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन पर जाएंगे। एक बार जब वह अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच जाएंगे तो वह अगले 6 महीनों में विभिन्न विज्ञान प्रयोग करते रहेंगे। निम्नलिखित में से किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा AI लॉन्च किया हुआ है? गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, IBM। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, मेटा के द्वारा। मेटा प्लेटफॉर्म इंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए AI के लिए अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा AI लॉन्च किया हुआ है। यह भाषा मॉडल पाठ उत्पन्न करने के लिए पाठ लेसन, इसके अलावा लिखित सामग्री का सॉर्ट करने के लिए, सारांश करने के लिए और जटिल कार्यों को करने में मदद करेगा। यह गणित के थ्योरम हो गया। इसके अलावा गणित के थ्योरम देखेंगे तो प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करने में भी मदद करेगा। तो अभी ज़माना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे रिसर्च किए जा रहे हैं और जितना हो सके मानव की आवश्यकताओं को यहाँ पे जितना हो सके सुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने US NCR के साथ कोहरा चेतावनी प्रणाली, जिसको बोला जाता है फॉग अलर्ट सिस्टम, विकसित करने के लिए $50,000 की मंजूरी दी है? बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ओडिशा सरकार, राजस्थान सरकार। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, बिहार सरकार। US NCR के साथ फॉग अलर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने $50,000 की यहाँ पर मंजूरी दे दी है। बिहार कैबिनेट ने तकनीकी सहायता के लिए $50,000 यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे लगभग रुपीज में, तो हो जाएगा 41.41 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है, जो राज्य सरकार और US NCR द्वारा किया जाएगा। बिहार सरकार और NCR के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया, जिसको बोला जाता है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व बैंक ने क्रिप्टो संपत्ति के लिए 9 सूत्री कार्य योजना तैयार की है। 9 सूत्री कार्य योजना तैयार की है, यहाँ पे दिया हुआ है विश्व बैंक, लेकिन आपको ध्यान रखना है विश्व बैंक नहीं है, बल्कि यहाँ पे IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये तैयार किया गया है क्रिप्टो संपत्ति के लिए 9 सूत्री कार्यक्रम। तो पहला गलत हो जाएगा। कार्य योजना देशों से आग्रह करती है कि वे बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी को कानूनी निविदा ना दे, कानूनी निविदा ना दे, जो कि बिल्कुल ये सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। बी, कार्य योजना यह निर्देश देती है कि देशों को क्रिप्टो संपत्ति को कैसे संभालना चाहिए, क्रिप्टो संपत्ति को कैसे संभालना चाहिए और बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी को कानूनी निविदा नहीं देने का आग्रह करता है। कार्य योजना की मुख्य सिफारिश देखा जाए तो मौद्रिक नीति ढांचे को मजबूत करके मौद्रिक संप्रभुता को और स्थिति की रक्षा करना है। मध्य अमेरिकी देश जैसे देखिए कि सल्वाडोर का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, अल सल्वाडोर से बोला जाता है, 2021 में बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है सल्वाडोर के द्वारा। IMF ने कहा कि देश को पर्यवेक्षण बढ़ाने और नियमों को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी स्थापित करनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय संघ के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस के रूप में अपनाया, विश्व NGO दिवस के रूप में अपनाया? 2014, 2016, 18 है, उसके बाद 2020 है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, 2014। सभी गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठनों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए 27 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व NGO दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहली बार बाल्टिक सागर NGO फोरम द्वारा 2010 में प्रस्तावित किया गया था। यह दुनिया भर के गैर सरकारी संगठनों के काम पर प्रकाश डालता है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय संघ के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस के रूप में अपनाया।